हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 21 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेगी। स्टेट में मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या ऑर्गेनाइजेशन है दो जिन्हें हम स्टैटिक जीके में डिस्कस करेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। अगर आपके पास मुसीबतों से लड़ने की ताकत है तो आप जीत जाओगे। आप जीतते हैं तो आप लीड कर सकते हो। अगर आप हारते हो तो आप मार्गदर्शन जरूर कर सकते हो। तो ये बात कही है संदीप माहेश्वरी जी ने। ओके, इनको सभी लोग जानते होंगे। ये बहुत अच्छा मतलब बोलते हैं और टॉपिक पर बहुत अच्छा ज्ञान भी देते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर आप में मुसीबतों को फेज़ करने की, मतलब जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फेज़ करने की आप में कैपेबिलिटी है तो आप ज़रूर जीत जाएंगे। अगर जीतते हैं तो आप लीड कर सकते हैं। ओके, अगर आप हारते भी हैं तो आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपको जीतना है या हारना है। आप बस अपना प्रयास अच्छा करते जाइए, सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं क्या रहेगी। संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया है, तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस जो कि 20 मार्च को मनाया गया, इसके लिए थीम क्या रही है, तो ये रही है हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि यह 20 मार्च 2020 को खुले बाजार संचालन के माध्यम से कितने रुपए की भारत सरकार के प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, तो 10,000 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग विकास बैंक नवोदित उद्यमियों के लिए 5 जून 2020 को किस ट्रेन को शुरू करेगा जो 7,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 15 दिनों के अंतराल में लखनऊ से वाराणसी तक के 11 उद्यमी शहरों की यात्रा करेगा। तो ये स्वावलंबन एक्सप्रेस है जो 11 उद्यमी शहरों में यात्रा करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कंपनी कौन सी है जिसने नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए इनोवेट फॉर ए एक्सेसिबल इंडिया अभियान की घोषणा कर दी है, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दी जो जामनगर में स्थित किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है, तो वो है आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान। और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिषद में स्थित आयुर्वेद संस्थानों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन शहरों में 2 नेशनल डेटा सेंटर स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में और गुवाहाटी असम में। अब असम की जो सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी से आपको याद रखना है 2020 के जो खेलो इंडिया गेम्स हुए हैं वो गुवाहाटी के अंदर ही हुए हैं। अगर 2020 के यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम्स पूछ ले जाएँ तो वो ओडिशा के अंदर हुए हैं, भुवनेश्वर में। और उसमें अगर विनर पूछ ले जाए कौन है, तो सावित्री बाई फुले जो कि पुणे का विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर विनर हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं संजय कुमार। पंजाब एंड सिंध बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो अजीत कुमार दास जी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो वीरूपक्ष मिश्रा। कैनरा बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो कृष्णन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो अजय के खुराना। ओके, इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो के रामचंद्रन को। बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं, तो पीआर राजगोपाल। ओके, तो ये एक इंडिविजुअल वीडियो भी हम दे देंगे जिससे क्या होगा कि आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा तो आप अच्छे से उसको याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन बनने ही हैं और ज़रूर बनेंगे ये, तो इन्हें बहुत अच्छे से आप रिवाइज़ कीजिए। और रिवाइज़ करना है तो आप हमारे खबरी ऐप पर जाइए और वहाँ पर तैयारी बिगनर्स की को फॉलो कीजिए, वहाँ से ऑडियो रिविज़न करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में कोरोना विषाणु को एक अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी कर दी है, तो ये जारी की है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में जितने भी एडिशनल फैक्ट हैं, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको मध्य प्रदेश के बारे में संपूर्ण विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ अभिसरण
करने के लिए स्वास्थ्य योजना को मुफ्त में प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ओके, और अगर पूछ लिया यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अब लद्दाख भी इन्हीं के साथ यूटी बना हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है, तो वो हैं आरके माथुर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने वैज्ञानिकों के कोरोना विषाणु के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में नया हैंड सैनिटाइजर विकसित किया है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, इन्होंने एक नया कोरोना विषाणु के खिलाफ निवारक हैंड सैनिटाइजर जो है विकसित कर दिया है। अब जो भी न्यूज़ इस फॉर्म हुई उससे संबंधित सामान्य ज्ञान को देख लेते हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य और उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अगर प्रभाव पूछा जाए, कब प्रभाव में आया था या कब ये शुरू हुआ, तो 13 फरवरी 1986 को प्रभाव में आया था। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो एपीडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1994 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संघ मतलब कि नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई, मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में। नोएडा की फुल फॉर्म भी अगर पूछ ली जाए तो आपको तुरंत बता देना है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, मुख्यालय मुंबई में है। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज की। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन अगर आप यूज करते हैं वेबसाइट, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड ट्विटर और शेयर चैट अगर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड खबरी ऐप आप इंस्टॉल कीजिए अगर आपके मोबाइल में नहीं है, वेरी इजी है इंस्टॉल करना, और शायद 2-3 MB का है, ज़्यादा हैवी नहीं, तो उसको इंस्टॉल कीजिए। और खबरी ऐप पर ऑडियो रिवीजन करने के लिए वहाँ हमें फॉलो भी करें, और ऑडियो रिवीजन ज़रूर से करें, क्योंकि आप यहाँ वीडियो देखेंगे वहाँ ऑडियो सुनेंगे, तो आपको 10 times बेटर लर्न हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बूस्टअप हो जाएगी। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप उसे भी पूछ सकते हैं। एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है अगर क्लास की PDF चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आप देख लेते हैं न्यूज़ क्या क्या रही हैं। इसरो 2020 से 21 में 36 मिशन लॉन्च करेगा। अब इस न्यूज़ को पढ़ने से पहले इसरो के बारे में थोड़ी बातें जान लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इसरो इस तरह लिखते हैं ना, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो वो है बेंगलुरु में, अगर हेड पूछ लिया जाए तो वो है K7G। ओके, तो ये इस तरह आपको याद रखना। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान 36 मिशन शुरू करेगा। प्रक्षेपण में मुख्य रूप से 10 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, 10 PSLV मिशन, 3 संचार उपग्रह, 3 अंतरिक्ष विज्ञान और 3 GSLV-MK शामिल होंगे। इसरो भू स्थानिक स्थिति में सटीकता बढ़ाने के लिए 2 नौवहन उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा गया है जो समाजवाद के वाक्यांश को हटाने का प्रयास करता है। अब जो सोशलिज्म है इसको हटाने का मतलब काम करता है। अब सोशलिज्म कब संविधान में ऐड किया गया था, सोशलिज्म सेक्युलरिज्म, तो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि समाजवाद धर्मनिरपेक्ष को संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। ओके, अब इसे हटाने की बात हो रही है। अब समाजवाद से तो आप समझ जीते हैं कि लोगों की बात हो रही है कि समाज में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये प्रस्ताव रखा गया, क्यों रखा गया है तो ये देख लेते हैं। राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा गया जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्रियम्बल से समाजवाद वाक्यांश को हटाने का प्रयास करता है। और ये समाजवाद और जो
धर्म निरपेक्ष है, ये जोड़ा गया है बाद में 1949 में जब बना था संविधान, तब इसमें इसका प्रावधान नहीं था कुछ भी, ठीक है। तो बस प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया है कि यह शब्द मौजूदा परिदृश्य में अनावश्यक है, इसलिए इसे एक विशेष विचार के बिना आर्थिक सोच के लिए जगह बनाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसे ये एक प्राइवेट बिल भी है और अभी तक 4 प्राइवेट बिल जो हैं प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 मार्च 2020 को लोकसभा ने आयुर्वेदिक बिल 2020 में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को पारित कर दिया है। 19 मार्च 2020 को लोकसभा ने आयुर्वेदिक विधेयक 2020 में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयक में गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद के शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना का प्रावधान है। नए संस्थान बनाने के लिए जिन 3 संस्थानों का विलय किया जाएगा वे हैं श्री गुलाब कुंवरवा आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि जामनगर में अवस्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेज जो कि जामनगर में स्थित है, और इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदिक, ये भी जामनगर में। अब जामनगर कहाँ पर है, तो ये गुजरात में, गुजरात की कैपिटल होती है गांधीनगर। गांधीनगर से आपको याद रखना हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी गांधीनगर ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रमाण पत्र धारकों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास में एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सीधी प्रवेश परीक्षाओं में बोनस अंक देने का निर्णय लिया है। जो सशस्त्र बलों की परीक्षाओं में उपस्थित थे, दिए गए बोनस अंक एनसीसी ए प्रमाण पत्र धारकों के लिए परीक्षा में अधिकतम अंक का 2%, एनसीसी बी के लिए 3% और एनसीसी सी के लिए 5% होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बड़ी संख्या में जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। एकलव्य मॉडल जो आवासीय विद्यालय हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक हैं। दूर दराज के जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्टता का एक द्वीप बन गया है क्योंकि ये बड़ी संख्या में आदिवासी बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1997 से 98 में EMRS शुरू किया गया था। कुल 438 EMRS हैं जिनमें से 285 कार्यात्मक हैं और झारखंड में सबसे अधिक स्वीकृत EMRS हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कार्यात्मक EMRS हैं। ओके, अब एक एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय है जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है। अब इसमें क्या है, इस विद्यालय में जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को आकर्षित कर रहे, मतलब कि जो जनजातीय क्षेत्र के बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं वे भी इस पे पढ़ने आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये डेवलपमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू कर रहा है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और विभिन्न भाग लेने वाले मंत्रालयों विभागों की विभिन्न योजना और पहलों को कवर करता है और पूरे देश में लागू किया जाता है। UPA सरकार द्वारा 2005 में भारत के प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को रोकना और नियंत्रित करके धार्मिक परिस्थितियों में सुधार करके शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना। केंद्र सरकार ने 2020 से 21 से 2023 से 24 तक राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें परिव्यय के रूप में 1480 करोड़ रुपए हैं। मिशन सामरिक क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और मिशनों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को विकसित कर केंद्रित है। ओके, अब राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना कर दी गई है जो कि केंद्र सरकार ने 2020 से 24 तक राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र के निर्माण को मंजूरी भी दे दी है। अब इसके परिव्यय मतलब इसके जो बनाया जाएगा इसमें कितना रुपया खर्च होगा, तो 1480 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वित्त आयोग ने नए केंद्र राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन रोडमैप की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। अब वित्त आयोग की बात हो रही है तो पहले प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे KC नियोगी जी।
वो कि कैसी नहीं होगी। अगर वर्तमान वित्त मंत्री पूछ ली जाए कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमन जी, और इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नॉर्थ कर्नाटका। ओके, एंड इनसे ये क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम जो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं वह कौन है, तो वो हैं निर्मला सीतारमन जी। ओके, भारत के वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह एनके सिंह की अध्यक्षता में गठन का समिति गठन जो समिति का गठन किया, वित्तीय वर्ष के लिए एक ऋण और राजकोषीय समेकन रोडमैप की सिफारिश की। केंद्र सरकार समग्र राज्यों सामान्य सरकार के लिए की जाएगी, यह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए परिदृश्य बनाने का प्रयास करेगा। ओके, अब स्पेशल नॉलेज में हम आज डिस्कस करने वाले हैं फिक्की को, क्योंकि बहुत दिन से फिक्की को हमने डिस्कस नहीं किया था तो हम भूलने लगे थे। ओके, तो आपको रिवीजन करना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है। तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, तो इसको कहते हैं फिक्की। अब फिक्की है क्या? भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में दिसंबर 2016 से पंकज पटेल अध्यक्ष, वर्तमान में श्री दिलीप चिनॉय जो है महासचिव है, जो कि 17 अप्रैल 2018 को नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में अध्यक्ष अगर पूछ ली जाए तो संगीता रेड्डी जी हैं, उपाध्यक्ष उदय शंकर जी हैं। अब स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश को। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच कीजिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल, सबसे बड़ा शहर जो है वो है इंदौर, जिले अगर पूछ ले जाएँ तो वो हैं बावन, राजभाषा यहाँ की सिंधी और हिंदी है। ओके, गठन अगर मध्य प्रदेश का पूछ लिया जाए तो 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं, मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं जो कि कांग्रेस सरकार के थे, और इन्होंने कल ही इस्तीफा भी दे दिया। तो अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे, अब तक तो कमलनाथ जी थे। ओके, अब इन्होंने लालजी टंडन जो कि गवर्नर हैं यहाँ के, उन्हें अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे, 15 महीने के बाद इनकी सरकार गिर चुकी है, तो अब जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, विधानसभा की 231 सीटें हैं, भारतीय संसद राज्यसभा की 11 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं। उच्च न्यायालय अगर पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का, तो जबलपुर एवं खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। ठीक है, जबलपुर में तो उच्च न्यायालय, अगर खंडपीठ पूछ ली जाए मध्य प्रदेश की तो वो है इंदौर और ग्वालियर में। मुख्य न्यायाधीश अगर वर्तमान में पूछ ली जाए तो वो है अजय कुमार मित्तल जी। ओके, मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से, और पश्चिम में गुजरात से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से। मैप रीडिंग आप लोग साथ साथ करते जाइए तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर राष्ट्रीय औसत से कितने ऊपर रही है? ठीक है, तो मतलब ये कहने का मतलब है जो मध्य प्रदेश है इसकी GDP जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा रही थी। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र में 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई। राज्य ने 2010 से 2011 के लिए पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। ओके, अब अगर ये पूछ लिया हीरे के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, यहाँ तो पन्ना। ओके, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला, उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के मुख्य उदाहरण है। उज्जैन में है महाकाल, जिन्हें ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। ओके, उज्जैन जिले में प्रत्येक वर्ष 12 वर्षों में कुंभ, मतलब कि सिंहस्थ छिप्रा नदी के तट पर मेले का पुण्य स्तर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो हमने लिख दिया। क्वेश्चन बनेगा जो चार जगह कुंभ लगते हैं उस, अब जो उज्जैन में कुंभ लगता है कौन सी नदी पर लगता है, कौन सी नदी के किनारे लगता है, छिप्रा नदी के किनारे लगता है, कितने वर्षों में लगता है, तो ये 12 वर्षों में लगता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। ओके, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व तो अगर पूछ लिया जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में है। ओके, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पशु अगर है तो वो है चीतल। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व अगर पूछ लिया तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचनकमार बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व भी
जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। ओके, तो ये सब जो है मध्य प्रदेश के अंदर ही है। तो अब बात करें स्टैटिक जी की, तो गूगल हम लोग सब कोई यूज करते हैं गूगल को, तो स्टैटिक में हम गूगल को ही लेकर आ गए क्योंकि गूगल हम लोग की बहुत ही कॉमन नीड है जो हर व्यक्ति यूज करता है। तो गूगल की अगर स्थापना पूछ ली जाए तो क्या है, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, और 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई। अगर संस्थापक पूछ ली जाए तो सर्गेई ब्रिन लैरी पेज। मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो सुंदर पिचाई जी हैं, सह संस्थापक एवं CEO हैं। ओके, एरिक स्मिट अगर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सर्गेई सह संस्थापक हैं। ओके, अब विश्व बैंक की और बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की टैगलाइन अगर पूछ ली जाए तो वे वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी है। स्थापना हुई थी 1944 में, जो कि 75 वर्ष पहले हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC USA में है। सदस्यता 189 देश जो हैं, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक में है, और 173 जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से एड है। IDA की स्थापना वर्ष अगर पूछ ली जाए तो 1960 में हुई थी। प्रमुख लोग डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है CEO हैं, पॉल रोमर जो है मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अब विश्व बैंक है क्या? विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता था? तो अनुच्छेद 370 को, तो जिसे हटा दिया गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित होती है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में, और ये लिए गए हैं आयरलैंड से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उनकी आयु 65 वर्ष, मतलब 65 ईयर वे कंप्लीट कर लेते हैं तब तक उनका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध की परिस्थिति में, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में, और सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जा सकता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है प्रधानमंत्री। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त प्रशासक जो है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। सरकारिया आयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में भी ये आया हुआ है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधों से ये संबंधित है। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। ओके, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला जी हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, राजस्थान। ओके, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन करने का संविधान का अनुच्छेद 40 निर्देश देता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक GK एंड GS का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, शेयर चैट एंड डेली मोशन एंड ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खबरी ऐप इंस्टॉल करना है अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो, वहाँ पर आपको फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन करना ही करना है। ओके, एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं, अननेसेसरी आप कुछ भी मेंशन नहीं कर सकते। एंड आपको अपना ख्याल रखना है, अपने परिवारीजनों का ख्याल रखना है, अपने जो आपके सपने हैं उनका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखना है, और आगे बढ़ते जाना है, प्रयास करते जाना है निरंतर इसी जुनून के साथ कि हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। और आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए निरंतर, और वीडियो को वॉच करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।